हनी भाई जी भाई मेरे बाबू ने थाना था नानी ओमाए वा मो सिंदे इरु ओ बाल यो बाबू द पोतरा अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? मुझे पता है यार आप लोग बिल्कुल ठीक है। आखिर इतना प्यार हमें वीडियोस में मिल रहा है, इतना प्यार हमें वीडियोस में मिल रहा है। आप ठीक है तो प्यार दे देना यार, ठीक ना होते तो प्यार थोड़ी देते। अच्छा बात यह है कि भाई इतनी अप्रिसिएशन यार, कोई हद होती है प्यार की यार, कोई हद होती है। हनी भाई भाई यार दिल खुश काट देते, तबाही काट देती है। मैं बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, इस तरह से प्यार देते रहते हैं कि आप लोग देखेंगे, आप लोग प्यार देंगे तो ही फूड शो आगे चलेगा। तो इनशाला हमारी सक्सेस भी क्योंकि आप लोगों से जुड़ी हुई है, आप लोग प्यार दें और हम इनशाला बहुत आगे जाएंगे। तो आज का सवाल हनी भाई, मेरे बाबू ने थाना खाया, ये सवाल मैंने क्यों पूछा? ये सवाल जवाब था बुढ़े ने थोड़ी देर बाद। चलो जुलू चलो। तो हनी भाई क्या सही, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज समय सही ढाबा दा ढाबा, बाबू दा ढाबा, बाबू दा ढाबा, बाबू दा ढाबा। एड्रेस क्या है? सेवड़ा चौक तो गौसल आजम रोड, नाज पुलिस लाइन 2 मुल्तान। बेहतरीन, चलो। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, फिर क्या स्टोरी है? मेरे बाबू ने थाना खाया जी। मेरे बाबू ने थाना खाया थी, ये स्टोरी है कि असा एकणे ढाबा दा ढाबा, बाबू दा ढाबा ओ ढेगी नो सामने खेत गालू असा दे कि मेरे बाबू ने थाना खाया। इयो बाबू है। कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी के पहले लेक्चर में भी रेंट पर आते हैं और आखिरी लेक्चर में भी लेट ही आते हैं। ये साहब एहसन भाई उन्हीं में से एक हैं। हमने इनको टाइम दिया था कि भाई 8 बजे बाबू के ढाबे पहुंच जाइएगा, मगर 9 बजने के बाद भी इनको 10 बार कॉल्स करनी पड़ी और उसके बाद भी अपनी कमिटमेंट पूरी ना करते हुए ये हमजा को अपने साथ नहीं लेकर आए। उनके आने तक हमने ऑर्डर भी दे दिया, जिस तरह से आप देख सकते हैं। ऑर्डर में हमने तवा पीस, बारबेक्यू पीस, बर्गर, फ्राइज, ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी। तो चलिए यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। तो हम खाना खा चुके हैं और अब हम रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले अजान भाई जी, अजान भाई क्या रेटिंग देंगे? बेस्ट, एक स्प्राइट एक कोक। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। स्टार्टिंग फ्रॉम द बारबेक्यू, बारबेक्यू बहुत अच्छा था। हमने आप लोगों को हम ऑर्डर बता चुके हैं कि हमने क्या क्या मंगवाया था। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने बारबेक्यू टेस्ट किया है। बारबेक्यू बहुत मज़ेदार था, अच्छी तरह से गला हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा था, मसाला बहुत मज़ेदार था, अंदर तक रचा हुआ था, तो इट वाज रियली गुड। आई वुड रेट इट 8.5 out of 10। सेकंड चीज़ जो हमने ट्राई की थी, इग्नोर द गाय इन बैकग्राउंड, सेकंड चीज़ जो हमने ट्राई की थी वो थी तवा पीस।
तवा पीस थोड़ा सा वाला बर्गर, तवा पीस थोड़ा सा ज्यादा जला हुआ था, हल्का था, लेकिन वो टिंट ऑफ टेस्ट जो आ रहा था वो मजेदार लग रहा था। आई लाइक दैट, ऑल्दो हनी को वो पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे वो जो हल्की सी जलने की मतलब स्मेल और टेस्ट था, मुझे बहुत मज़ेदार लगा। तो इट वॉज क्वाइट अ 9/10 तवा पीस फॉर मी। उसके बाद बर्गर के ऊपर आ जाते हैं, तो आई डोंट नो भाई, कल सुबह पनवेल जाना है। मेरे ख्याल से इससे सस्ता और इससे ज़्यादा मज़ेदार, इट सिर्फ 150 रुपये का जिंगर था, बहुत मज़ेदार था। 150 रुपये में मेरे नहीं ख्याल से ज़्यादा बेहतर जिंगर यहाँ पे अवेलेबल होगा मुल्तान में। चावलों के ऊपर आए तो भाई चावल कच्चे भी थे, भाई भी सुन रहे हैं, चावल कच्चे भी थे और चावल में मसाला बहुत ज़्यादा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जिंगर को मैं रेट करूँगा 7.5/10 और चावलों को रेट करूँगा 3/10। दैट्स फॉर मी। नहीं भाई, क्या रिव्यू देंगे आप मुझे अपने घर जाना है बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। शहर आने वापस खाने से खाना खा के पूरा पीस मेरे तरफ हो गया ने सात तवा वो 6 ले ले, चावल मेरी तरफ 7 ले ले। बड़े दिल से बोल रहा हूँ आपको, बोतल बड़ी ठंडी बोतल डूबी थे। हाँ सही, साढ़े कोक बॉय आ गए, इन्हें को पूछते हैं क्या खादी खड़े क्या रिव्यू है। हाँ दसो सरकार। सबसे पहले तो जो बारबेक्यू था वो मुझे अच्छा लगा, उसको मैं 8.5 रेट दूंगा। बाकी मुझे पर्सनली तौर पे तवा पीस थोड़ा सा कच्चा लग रहा था, तो मेरे हिसाब से 7.5 करेगा। चावल बहुत बुरे थे, बहुत ही बुरे। तो उसके बाद जिंगर जो था, मुझे मेरा नहीं लगता कि वो उसके अंदर जो मतलब चिकन के स्लाइसेस थे वो बहुत, तो चिकन का फिलेट बहुत गंदा था, अजीब सा था, साइड पे हुआ हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ था। मुझे नहीं पसंद आया, उसकी सॉस भी अच्छी नहीं थी। बाकी कोक 10/10 है, ऑब्वियसली वो 100% 10/10 रहती है मेरी तरफ से। सही एहसन साहब भी आ गए उन्होंने, बड़ी देर ना की थी, उसको पता लग गया उसी। खैर असा हूँ सवाल जवाब करें, दसो सही कि लगे मुर्गा भाई जान। गाल ये कि जड़ा तवे वाला पीस है ना, मेरे को सब तो ज़्यादा वो पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि जड़ा एक आदि ना कल्चरल टेस्ट होंगे, साड़ा कल्चर के हिसाब नाल बड़ा रिच टेस्ट ही होंगे, बेहतरीन फ्राई थे हो ठीक है। मेरे को उन्हें पता क्या नहीं ऑयल केड़ा यूज़ किया है इन्होंने लेकिन बड़ा अच्छा ही अच्छा टेस्ट लगे, मेरे को अच्छा लगे। तो बाकी जड़ा बारबेक्यू है उनका टेस्ट भी बेहतरीन है। वो यही गलू कि अक्सर बारबेक्यू जो तुम बने दे हो ना, तो उन्हें विच क्या थींदे कि वो जड़ा पीस होंगे ना, मतलब जड़ा गोश्त होंगे वो अक्सर ना अक्सर जगह के उत्ते वो थी वेंदे खुश्क, उनकी वजह ना मज़ा नहीं आता। लेकिन इंदे विच वो चीज़ को ना ही बड़ा बेहतरीन जड़ा है ना इंदे विच, मतलब वो जिम्मे आते ना बड़ा क्रीमी जहाँ जायका आई पाया, बड़ा अच्छा फ्राई किया हुआ इन्होंने बड़ा बेहतरीन। तो कबाब भी बड़े माशाल्लाह बेहतरीन बने हुए हैं अच्छा। वो तो बाद क्या आई चावल, हाँ चावल फारेगन बिल्कुल फारेगन, मैं इनको माइनस इच रेट करे सा। और जिंगर 150 दे विच इन तो बेहतरीन जिंगर नहीं मिल सकता। ठीक है थोड़ा जहा जड़ा इन्हों विच गोश्त जड़ा है वो घट है क्योंकि महंगा है बहरल बेहतरीन नहीं, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है ओवरऑल। यार सर मेरी कुछ शिकायत है गोश्त थोड़ा है जिंगर अच्छा पार्ट अच्छा रेटिंग जो है ना कि नहीं यू नो अपना तवा पीस को 8.5, कोयले वाला पीस जड़ा है 9 थी, बर्गर जड़ा है पैसिंगर उसको 8 देगी ना 8/10। तो जड़े चावल हैं -2/10 ओवरऑल। कबाब भी ठीक है उन्होंने जड़ा है ना मतलब अच्छे हैं पे उन्होंने 7.5/10।
ते बाकी ओवरऑल जड़ा ये एनवायरनमेंट है बाबू दा ढाबा ओवरऑल इको मैं 7.5 आउट ऑफ 10 दे सा रेकमेंड करे सा जरूर आओ इतना घूमो फिरो बैगे एंजॉय करो दोस्तों नाल आओ बड़ी अच्छी प्लेस है बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो दे विच तो गाइस क्या करना है हमारे ऑडियंस को लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट मारो जड़ी शायद पसंद आ दी नहीं आ दी और अगली वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहा करो तैयार रहा करो हम लोग आप लोगों की खातिर हमेशा कंटेंट बनाते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए सपोर्ट करें हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें घंटा ही दबाए घंटा दबाओ घंटा ओके।